हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं BS6 की टॉप 5 बेस्ट माइलेज कारें। जी फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली 5 कारें जो कि इंडिया में चलती है, वो भी BS6 की 2020 की। जी फ्रेंड्स, उन्हीं कारों की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा माइलेज के लिए जानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए टेक एनसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो और जो घंटे वाला बटन है इसको दबाना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो आती है वो आती है मारुति सुजुकी की डिजायर। जी फ्रेंड्स, 2020 के अंदर इसको पेट्रोल वेरियंट के अंदर बना दिया गया है। यहां पर आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का इंजन। जी फ्रेंड्स, इसके अगर एवरेज की बात करें तो ये आपको दे देती है, बात करें मैनुअल 5 गियर के अंदर तो वहां पर आपको मिल जाता है 23.26 KMPL का। लेकिन इसी के ऑटोमेटिक वेरिएंट में अगर आप जाते हो तो आपको यहां पर मिल जाता है 24.12 KMPL का। जी फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग सेडान कार है मारुति सुजुकी की। जी फ्रेंड्स, और इसकी कीमत जो है 5,89,000 रुपए से शुरू होती है ये, और 8,81,000 रुपए तक जाती है। तो ये कार जो है बेस्ट सेलिंग सेडान कार रही है। वहीं पर दूसरी कार की बात करते तो आ जाती है बलेनो या फिर ग्लेंजा। जी फ्रेंड्स, टोयोटो ने इसी कार को जो है ग्लेंजा के नाम से निकाला है और मारुति सुजुकी ने इसको बलेनो के नाम से निकाला था। तो दोनों ही कंडीशन में जो है सेम ही एवरेज दे रही है ये कार। 1.87 KMPL का एवरेज देती है ये और 1.2 लीटर के अंदर आती है। इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो दोनों कंपनियों की थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जी फ्रेंड्स, अगर टोयोटो की बात करें तो टोयोटो ने जो है बलेनो को ग्लेंजा के नाम से निकाला है, तो यहां पर इसकी कीमत आ जाती है 7,33,000 से स्टार्टिंग। वहीं पर मारुति सुजुकी की बलेनो के नाम से इसकी कीमत आती है 7,22,000 रुपए की स्टार्टिंग, एक्स शोरूम रेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट कार की बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये कार है रेनो की बेस्ट सेलिंग कार क्विड। जब रेनो की बेस्ट सेलिंग कार क्विड के अंदर बात करें तो ये दो वेरिएंट में आती है। जी फ्रेंड्स, 0.8 लीटर यानी कि 800 सीसी इंजन के अंदर और दूसरा आता है 1 लीटर के अंदर भी। जी फ्रेंड्स, दोनों का ही एवरेज थोड़ा डिफरेंट है। 800 सीसी इंजन की बात करें तो यहां पर मिल जाता है आपको 25.17 KMPL का एवरेज। पर इसके अगर 1 लीटर वेरिएंट की बात करते तो यहां पर जो है दो वेरिएंट आते हैं। यहां पर एक तो ऑटोमेटिक आता है, एक आता है मैनुअल। तो मैनुअल के अंदर इसका मिलता है 21.7 KMPL का एवरेज। वहीं पर अगर इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें 1 लीटर की तो यहां पर मिल जाता है आपको 22.3 KMPL का। जी फ्रेंड्स, इसकी रेट की बात करें तो ये जो कार है 2,92,000 रुपए से स्टार्ट होके 5,00,000 रुपए तक में आती है ये, इसकी एक्सोरूम रेट की बात कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट कार की बात करते हैं मारुति सुजुकी की ऑल्टो। जी फ्रेंड्स, ऑल्टो भी 800 सीसी के अंदर आती है और इसके एवरेज की बात करें तो पेट्रोल इंजन के एवरेज की बात करें तो आपको मिल जाता है 22.05 KMPL का। जी फ्रेंड्स, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये मिलती है 2,95,000 से 3,90,000 के बीच में, एक्सोरूम रेट की बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर इसके CNG वेरिएंट की बात करते हैं तो वहां पर आपको एवरेज मिल जाता है 31.59 KMKG। जी फ्रेंड्स, किलोमीटर पर केजी के हिसाब से तो ये एवरेज जो है काफी ज्यादा है। और इसकी रेट की बात करें तो CNG रेट जो है 4,33,000 से स्टार्ट होती है इसकी रेट। नेक्स्ट कार की बात करते हैं वैगनार की। जी फ्रेंड्स, ये मारुति सुजुकी की बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार है। इसके भी दो वेरिएंट है, एक पेट्रोल और एक CNG। जी फ्रेंड्स, पेट्रोल में भी दो वेरिएंट आते हैं, 1 लीटर और 1.2 लीटर। तो अगर बात करें इसके पेट्रोल इंजन के 1 लीटर का एवरेज तो इसका 1 लीटर का एवरेज आता है 21.79 और इसकी जो 1.2 लीटर का इंजन है वहां पर मिल जाता है आपको 20.52 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिल जाता है यहाँ पर। और इसकी एक्सोरूम की बात करें तो ये मिलती है आपको 4,45,000 से 5,95,000 के बीच में, एक्सोरूम की बात कर रहा हूं मैं, एक्सोरूम रेट है इसकी। वहीं पर इसके CNG मॉडल की बात करें तो वहां पर आपको एवरेज मिल जाता है इसका 32.52 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से। जी फ्रेंड्स, ये भी काफी ज्यादा है CNG के हिसाब से, तो काफी अच्छा एवरेज है इसका CNG का वैगनार का, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है 5,25,000 से स्टार्ट होती है CNG कार की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5 BS6 की टॉप माइलेज कारें थी। बेस्ट एवरेज जो है यहां पर CNG का निकल के आता है। CNG में दो ही मॉडल आ रहे हैं, मारुति सुजुकी की वैगनार और ऑल्टो। वैगनार जो है बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार रही है और सुजुकी की जो है आपको बता दूं कि डिजायर जो है बेस्ट सेलिंग सेडान कार रही है। फ्रेंड्स, ये 5 कारें जो है इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग कारें हैं, सबसे बेस्ट मेंटेनेंस कारें हैं और ये 5 कारें जो है इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाली है। जी फ्रेंड्स, मेंटेनेंस के नाम पे देख लीजिए, बजट के नाम पे देख लीजिए या फिर रफ एंड टफ इसको चलाने के मामले में देख लीजिए, 800 सीसी से लेकर 1.2 लीटर तक इंजन की सारी 5 BS6 की बेस्ट माइलेज बेस्ट बजट कारें मैंने आपको बताई है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है। इन्हीं कारों की डिमांड रहती है हमेशा।
तो इन्हीं के मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोल वेरिएंट है सारे और सीएनजी वेरिएंट है, तो सबकी मैंने बताया है आपको कितने लीटर का इंजन है, क्या प्राइस है एक्सोरूम और कितना एवरेज देती है। तो फ्रेंड्स अभी इतना ही, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप और शेयर कर दीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते नए वीडियो के साथ में, देखते रहिए टेक एनसी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।